अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के मरकजी तर्जुमान जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा है कि हम पाकिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि नई पाकिस्तानी हुकूमत अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी से मुतलिक लचक दिखाएगी। एक बयान में जबीउल्ला मुजाहिद का कहना था कि पाकिस्तान के साथ इक्तसादी, सिफारती, सकाफती और मजहबी मामलात में अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उम्मीद है नई हुकूमत इस पर गौर करेगी। चीन, सऊदी अरब और ईरान ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, पाकिस्तान और चीन ने हालिया बरसों में कई शोबों में तावुन आगे बढ़ाया। सीपैक दोनों मुमालिक की दोस्ती और तावुन का समर है। नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर इस तावुन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आसिफ अली जरदारी के लिए तहनियती पैगाम, नए ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की कि आसिफ अली जरदारी के दौर में पाक ईरान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद वसअत देना चाहता है।